रैपर हो गया है ना, तरह तरह की चीजें मैं इससे बनाता रहता हूँ। अच्छा। मतलब इसका बहुत ज्यादा उपयोग नेचर पे काम है, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। पढ़ाई कहाँ से की आपने? पढ़ाई मैंने JNTUH से मैंने एमटेक किया है। अच्छा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ देर मतलब वक्त तक मैंने पढ़ाने का काम किया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों फिलहाल अभी मैं आज आपके बीच में आया हूँ कुछ बातें लेकर के। कुछ दिन पहले मैं जो है बिहार स्टेट की जो कंपटीशन थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे एक मीडियम से बात किया, चर्चा किया, इंटरव्यू वगैरह लिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपके बीच में आज रखूँ, क्या क्या बातें हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ नाजुज़ाहिर एनवायरमेंटलिस्ट, मक्के के वेस्ट से प्लास्टिक्स का विकल्प देता हूँ। और फिलहाल मेरा जो कमिटमेंट है कि प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, तो बहुत ही जल्द हम इस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसको लेकर मैं लंबे वक्त से काम को अंजाम दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे बेनिफिट्स ये मिलेगा दोस्तों कि आपको कभी भी जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में चाहिए होगा तो चैनल के माध्यम से आपको जो है मिलता हुआ चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये क्या बना रहे हैं और पर्यावरण का ऐसे इसका कैसे संरक्षण होता होगा? मैं जो बना रहा हूँ ये देखिए, ये मक्के का छिलका है। जनरली हम लोग इसको फेंक देते हैं और इसका कुछ भी यूज नहीं है। और इसी के जरिए हम बना रहे हैं ये कटोरी, गुपचुप खाने वाला या फुचका खाने वाला। फिर इसके बाद हम ये बना रहे हैं प्रसाद वाला। ये कटोरी आप देखिए, ये भी मिठाई समोसा खा सकते हैं। फिर ये कटोरी होगी, उससे बड़ी कटोरी। लागत क्या आती होगी? लागत मैम एक प्रोडक्ट पे आती है 15 पैसा। 15 पैसा। और ये जो है कप हो गया छोटी वाली। और इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मतलब इससे प्लेट भी हम बनाते हैं। ओके। और मेरा जो संकल्प है प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, और इससे मैं 10 प्रोडक्ट्स बना चुका हूँ। इवन कि चॉकलेट का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया, मतलब साबुन वगैरह का रैपर, देखिए ये सब साबुन वगैरह का रैपर हो गया है ना, तरह तरह की चीजें मैं इससे बनाता रहता हूँ। मतलब इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आप कैसे इसको लेते हैं, किसानों से कैसे खरीदते हैं, फिर इसका यूज कैसे करते हैं, ये हमको बताइए। किसानों से मैं मतलब 200 रूपए क्विंटल ले लेता हूँ। 200 क्विंटल में कितना ये कटोरी उटोरी बन जाता होगा? 200 क्विंटल में कम से कम बन जाता है 5000 कटोरी। 5000 कटोरी बन जाता है ना। जब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। कितने दिनों से ये कर रहे हैं आप? मैम ये नेचर पे काम है, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। पढ़ाई कहाँ से की आपने? पढ़ाई मैंने JNTUH से मैंने एमटेक किया है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ देर मतलब वक्त तक मैंने पढ़ाने का काम किया है। मेरा मन नहीं लगा, टेस्ट नहीं मिला हमको। मेरा संकल्प था बचपन से ही कि समाज को देश को कुछ देना है, और इसी लिए मतलब मैं आगे बढ़ गया। और आज के डेट में मालिक का बहुत बड़ा कर्म है, सब लोगों का आशीर्वाद है कि मतलब इस चीज में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कहीं से कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला हो आपको इस काम के लिए, पुरस्कार वगैरह, या कहीं से कुछ? हाँ। आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो? अभी तक उस तरह का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर के DM साहब ने जो है हमको बुलाया था और उनसे इस मसले पर बातचीत हुई है। और जिला मतलब उद्योग केंद्र जो मुजफ्फरपुर, परिमल सिन्हा सर जो वहाँ के GM है, उन्होंने बारे में कहा है। तो इसका सरकार इसको खरीद, जैसे आप बाजार में बेच देते हैं इसको? मतलब अभी जो लार्ज स्केल पे मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, छोटे स्तर पे मैं बना। बाजार में बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं इसको? कुछ दुकानों में मैं देता हूँ, लेकिन इतना ना ज्यादा प्रमोशन नहीं है, प्लास्टिक का मार्केट है। मेरे पास एसेट्स और उतना कैपिटल नहीं है। सबसे बड़ा इश्यूज ये है कि कैपिटल नहीं होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमको। क्योंकि आप आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी प्राइवेट स्कूल टीचर है और खेती बाड़ी से घर वगैरह चलता है। और पर्सनली मैंने एमटेक किया तो बहुत सारे लोगों ने, फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि बहुत अच्छा कमाएगा, चाहे बहुत जल्दी कुछ कर जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया और समय देना ही पड़ता है। और मैं ऐसे मझधार में फंसा हुआ हूँ कि यहाँ से पीछे भी नहीं जा सकता हूँ। यहाँ तक मैं आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाह रहे हैं? मैं सरकार से चाहता हूँ कि इस चीज को, पहले सरकार से मैं कहूंगा कि इसमें एक बार खाकर वो देखे, अगर ये लगता है कि ये सही चीज है तो इसको अपने स्तर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस चीज को आगे बढ़ाएं। मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं लोगों को गाइड करूंगा, खासकर महिलाएं इससे बहुत ही जीवन में जुड़ सकती हैं जी। लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर गर्व कर रही होगी या करेगी आने वाले दिनों में सिर्फ इस प्रोडक्ट को देखने के बाद। धन्यवाद। देखिये ये नाज है, ये मक्का
के का जो वेस्ट हो जाता है, छिलका होता है, उससे ये डिस्पोजेबल कप कटोरी बना रहे हैं। ये सिर्फ चाहते हैं सरकार इनको प्रमोट करे ताकि लोगों को सस्ते दर पे मिले और पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से एक नया प्रयास हो। दोस्तों, मेरा जो अपना नजरिया है, आज आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, मजा आना भी चाहिए, इसलिए कि आज जो मैं आपके जो बीच में जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये पटना खादी मॉल, जैसे कि आप जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे इस तरह का टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ पर हमारे जैसे जैसे जो भी लोग इनोवेटिव ब्रेन वाले लोग हैं, वो लोग सब लोग पार्टिसिपेट किए थे, उसे मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर एक पत्रकार थी सविता मैम जो कि आई थी, और उन्होंने हमसे क्वेश्चन अराइज किया, क्वेश्चंस पूछा, और मैंने उसका जो है सटीक जवाब देने का प्रयास किया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लंबा वक्त लंबा समय देना पड़ता है। दोस्तों, फिलहाल अभी मैं एक जगह पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर मुझे वक्त मिल गया, तो मैंने सोचा कि भाई चलिए वीडियो शूट कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं वीडियो शूट करने के लिए अलग से कोई भी प्लेस का चयन नहीं करता हूँ, मेरा एक अपना एक नेचुरल स्टाइल है। जहाँ पर भी वक्त मिल जाता है, मैं वहीं पे काम को शुरू कर देता हूँ, काम को स्टार्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों, जहाँ तक प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव्स की बात है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव्स की बात है, दोस्तों ये एक आदमी का काम नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम करने के लिए, बैन करने के लिए सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को मिलजुल करके आना पड़ेगा, उस पर काम करनी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगा। और ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ जॉब है, ये बहुत ही आसान है। और आसान इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। किसी शायर का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। तो दोस्तों, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है। यही काम मैंने जब शुरुआती दौर में जब मैंने शुरू किया था, सब कोई को लग रहा था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं वही हूँ, वही जगह पर हूँ, और जो लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं हो सकता है, वही लोग आज कहते हैं कि भाई तुमने जो नामुमकिन को मुमकिन में कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। तो दुनिया में दोस्त ऐसा ही होता है, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, सब कोई, सब लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो सब लोग आपको जो है अवॉइड करता है। दोस्तों, बस यही जो है लाइफ की जो है रियलिटी है, यही लाइफ की जो है फैक्ट है। मेहनत करते हैं आप, करते रहें, सक्सेस हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो दुनिया आपको ये कहेगी कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अगर आप फेलियर हो जाते हैं तो दुनिया आपको ये कहेगी कि आपने मेहनत नहीं किया। दुनिया का सीधे सीधे हिसाब किताब बिल्कुल यही है दोस्तों। दोस्तों, अगर हाँ आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ करने के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा आपको कि दुनिया में किस चीज़ की कमी है। कोई भी चीज़ की कमी अगर आपको नज़र आती है, बातें समझ में आती हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए अगर आपने कुछ भी सहयोग कर दिया, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजी मेथड है। तो बस दोस्त, वक्त नहीं कमाइए, आज ही से लग जाइए। और आज ही से क्या लग जाना है दोस्तों? कुछ नया, कुछ अलग देश के लिए, समाज के लिए करने के लिए। और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं जनरली। और बस आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अलग चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। हाँ, ये बात तो कहना मैं भूल ही गया, चैनल पर दोस्त नए होंगे ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो भी अगर आपका मिस हो जाता है, समझिए कुछ अच्छी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ देखते हैं आप, डाटा आपका ख़त्म होता है, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें आप देख करके डाटा को ख़त्म करें। मिलता है आप लोगों से, जय हिंद, जय भारत।